हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं रिफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि संदर्भ व्याख्या बताऊंगा। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आता है तो आपका नंबर जिससे कम ना हो, मैं इसी प्रयास में लगातार जुटा हूं और करता रहूंगा प्रयास। अच्छे अच्छे वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, क्लास ट्वेल्थ से संबंधित, टेंथ से संबंधित, या टेंथ में काम आएगा और ट्वेल्थ दोनों में काम आएगा। और आप सब ध्यान देना, टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में काम आएगा। और मोटिवेशन भी वीडियो अपलोड हो रहा है, कल मोटिवेशन वीडियो एक आने वाला है, बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सब देख लीजिएगा ज़रूर उसे। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, जिससे आपका दो चार नंबर जो भी है दो आता है तो ज़रूर से, तो आपका वो नंबर ना कट सके, मेरी यही उम्मीद है कि हमारे कारण आपका नंबर कम ना हो, अर्थात जो मैं बता दूँ आप उसमें से आपका कम नहीं हो सकता। स्टार्ट करता हूँ देरी न करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा, मैं आज क्लास ट्वेल्थ से बता रहा हूँ, जैसे एकदम टेंथ का एकदम सेम रहेगा वही राइटर चेंज रहेंगे, बस राइटर और लेखक जैसे दोनों, जैसे कौन लिखा है किस पार्ट से लिया गया है हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, यही चेंज रहेगा बस, और कुछ भी नहीं, सारा सेम रहेगा। तो दोनों लोग बने रहें इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़ेंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लिए पक्का मैं बता दे रहा हूँ कि आपको उसमें से समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट से है। इतना जब आ जाएगा आप इसको याद कर लीजिए, लेखक का नाम, ठीक है ना। स्टार्ट कर, पहले आप लिखेंगे रिफरेंस, आर ई एफ, आराम से कीजिएगा आप सब, एक दो पन्ने अच्छे से कीजिएगा जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ सही लिखा है, इसके बाद आप जल्दी जल्दी कीजिएगा थोड़ा ना। रिफरेंस, रेफरेंस में दीज लाइन, दीज आराम से कर रहा हूँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये सब सारे में रहेगा, चाहे जिस पार्ट से लिया रहेगा ये जरूर रहेगा। द लेसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से अपलोड कर दिया, मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, सॉरी यन रहेगा, गलती हो गया। लेसन आप काली पेन से कर लीजिएगा या नीली पेन से कर लीजिएगा, लेसन जैसे किसी पार्ट से लिया गया, आई एम जोन्स हर्ट आपके क्लास ट्वेल्थ में है, आई एम जोन्स हर्ट, एच ई ए आर टी, ठीक है ना, जोन्स हर्ट इस पार्ट से लिया गया है, आई एम जोन्स हर्ट पार्ट से लिया गया है, हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं जिसे समझ में आ जाए आपको। राइटर फिर लिखेंगे, राइटन बाई ए फेमस स्टोरी, इसको जरूर लिखेंगे जैसे इसको पता चल सके, फेमस स्टोरी आप सब इसको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, यही एकदम जाके सेम लिखना है, केवल राइटर का और जिस पार्ट से लिया रहेगा उसका नाम चेंज करना है बस। स्टोरी राइटर, फेमस स्टोरी राइटर जो भी लिखा है, जैसे राइटर उसी को कहते हैं, राइटर कौन लिखा है इसमें लिख देना है, इस पे लिखे हैं जे डी, जे डी रेडक्लिफ, ठीक ना, रेडक्लिफ, बस इतना ही रहेगा, आप सब इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, कंटेक्स्ट, एक लाइन छोड़ देंगे, सी ओ एन टी ई एक्स टी, कंटेक्स्ट, इसमें आप लिखेंगे कंटेक्स्ट में इन दो दीज, इतना सारे में लिखना है, चाहे आप टेंथ ट्वेल्थ किसी क्लास में हैं आप, आपको इतना लिखना है, इन दीज लाइन्स दी राइटर टेल्स अस, टेल्स
अस अबाउट हिज, ठीक है ना। इसके बाद इतना आपको लिखना है, फिर इसके बाद आपको जो दिया रहेगा उसमें उसके अनुसार आपको आगे लिखना है, ठीक है ना। इसमें आप जैसे इन दीज लाइन द राइटर टेल्स, यहीं तक लिखकर आप लिख सकते हैं, इसके बाद ही, या तो अस अबाउट हिज इसके बाद ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपके मन वैसे कर लेना आप सब, गलत आपका कहीं नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ले सब, तो आप सब उसे गलत ना काटे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर चेक करता है तो इतना ध्यान नहीं देता। फिर आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन, इसको ब्लैक पेन से इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ इतना, ठीक है ना। आप सब लिख लीजिएगा जो भी रहेगा, इसके बाद लिख देंगे ना एक्सप्ला, जिससे कि आपका एक नंबर भी किसी तरह का कटना नहीं चाहिए, बस एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है, राइटर लेखक कहता है, लिख देना है द राइटर सेज दैट, बस द राइटर सेज दैट, इसके बाद आपको लिख देना है, बस इतना आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।